तो हेलो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में 226 से लेकर 275 तक डिस्कस करेंगे टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा बट 50 क्वेश्चन में किसी किसी क्वेश्चन आप लोग का छूटेगा ठीक है बीच में दो तीन क्वेश्चन ऐसा है वो आप लोग का नहीं है तो वो क्वेश्चन हम लोग स्किप करेंगे और ये जो क्वेश्चन आंसर का पार्ट रहेगा ये पार्ट सिक्स है ठीक है तो आइए पहले क्वेश्चन ले लेते हैं तो पहला क्वेश्चन है आर्थ फॉल्ट इन क्यू रिले कॉयल कॉज डैश फ्यूज टू बी मेल्ट तो बोल रहे हैं हमारा क्यू फोर्टी फोर रिले कॉयल में कोई आर्थ फॉल्ट होने से कौन सा फ्यूज़ मेल्ट होगा तो इसका ऊपर में क्या रहता है क्यू फोर्टी फोर के ऊपर सी सी पी टी रहता है तो सी सी पी टी हमारा मेल्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आर्थ फॉल्ट इन एम टी डी जे कॉयल कॉजेज डैश फ्यूज टू मेल्ट तो एम टी डीजे कॉयल में आर्थ फॉल्ट होने से कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा इसका होगा सी सी डी जे ठीक है नेक्स्ट देखिए आर्थ फॉल्ट इन ई एफ डी जे कॉयल कॉजेज डैश फ्यूज टू बी मेल्ट तो इसका होगा सी सी डी जे ठीक है एम टी डीजे एंड ई एफ डीजे दोनों का ही होगा सी सी डीजे नेक्स्ट आइए आर्थ फॉल्ट इन सी वन ऑन आइट कॉन्टेक्टर कॉयल कॉजेज डैश फ्यूज टू बी मेल्ट इसका भी सेम होगा सी सी डीजे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए परमानेंट वेल्डिंग ऑफ द ट्रिप्स ऑफ सी वन जीरो सिक्स कॉन्टेक्टर कॉजेज डैश ट्रिपिंग फेलियोर बोल रहे हैं हमारा सी वन जीरो सिक्स जो कॉन्ट्रेक्टर है उसका जो टिप रहता है कॉन्ट्रेक्टर का वो परमानेंटली हमारा वेल्ड हो गया तो कौन सा ट्रिपिंग फेलियर होगा तो हमारा आई सी डीजे होगा इम्पॉसिबल टू क्लोज डीजे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेल्टिंग ऑफ सी सी डीजे फ्यूज कॉज डैश ट्रिपिंग फेल्योर हमारा सी सी डीजे जो फ्यूज है वो मेल्ट कर गया तो हमारा क्या होगा डीजे क्लोज नहीं कर सकते इसीलिए आई सी डीजे नेक्स्ट क्वेश्चन आइए फॉर क्लोजिंग ऑफ डी जे डैश पुस्ट बटन स्विच कैन बी यूज तो हमारा डी जे क्लोज करने के लिए कौन सा पुस्ट बटन स्विच को हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्लोज करने के लिए तो इसका होगा बी पी टू डीजे ठीक है और बी पी वन डीजे से क्या होगा ओपन होगा तो इसका राइट आंसर हो गया बी पी टू डी जे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आइए इम्प्रोपर कॉन्टैक्ट ऑफ डैश पुस्ट बटन स्विच इंटरलॉक कॉजेज आई सी डी जे ट्रेवल तो बोल रहा है हमारा कौन सा स्विच का जो इंटरलॉक है वो प्रॉपर कॉन्टैक्ट नहीं होने से आई सी डीजे हमारा ट्रेवल देगा तो क्योंकि देखिए हमारा बी पी टू डीजे हमारा डीजे क्लोजिंग है ये पुज बटन दबाने से क्लोज होगा और बी पी वन डीजे हमारा डीजे ओपन है तो इसका इम प्रॉपर कॉन्टैक्ट होगा तो क्या होगा बी पी वन डीजे होगा सही ना क्योंकि हमारा ये जो बी पी टू डीजे है इसका इंटरलॉक नॉर्मली हमारा ओपन रहता है ये दबाने से उसका इंटरलॉक वहाँ पे लगता है तब हमारा डीजे क्लोज होता है बट हमारा बी पी वन डीजे ये नॉर्मली हमारा क्लोज में ही रहता है वो हमारा इंटरलॉक खुल जाने से क्या होगा हमारा डीजे ओपन हो जाता है तो यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट जो था जो नॉर्मली क्लोज था वो प्रॉपरली हमारा कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा आई सी डीजे होगा ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन वी सी बी ठीक है एस आई हॉरिजेंटल डीजे प्रोवाइडर लोकल्स द डी कंट्रोल सर्किट इज़ हैविंग डैश नंबर ऑफ ब्रांच तो हमारा जो स्टैटिक इन्वर्टर में वी सी बी टाइप लोको में क्या ना रहता है सिक्स ब्रांच रहता है ठीक है नेक्स्ट देखिए हमारा इन इमरजेंसी डी जे कैन बी ट्रिप्ट बाई एल पी बाई प्रेसिंग डैश पुष बटन स्विच इन कैब टू तो कैब टू में हमारा जो क्या रहेगा स्विच पैनल रहेगा ठीक है तो नेक्स्ट देखिए इन एमरजेंसी डी जे कैन बी ट्रिप बाई एल पी बाई प्रेसिंग डैश पुष बटन स्विच इन कैब टू तो हमारा कैब टू में कहाँ पर पुष बटन रहेगा जो हम लोग यूज़ करते हैं डी एमरजेंसी में डीजे ट्रिप करने के लिए तो रिले पैनल में हमारा बी पी वन डी एंड बी पी टू डी दो रहता है पुश बटन तो हमारा बी पी वन डी दबाने से ये डीजे हमारा ओपन हो जाएगा क्योंकि इसका नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक रहता है वो दबाने से उसका इंटरलॉक खुल जाएगा तो हमारा डीजे भी ओपन हो जाएगा नेक्स्ट देखिए डिफेक्टिव क्यू बी आर एच रिले कॉजेज डैश ट्रिपिंग फेल्योर तो क्यू वी आर एच रिले हमारा डिफेक्टिव होगा तो वो ऑपरेशन ओ होगा ठीक है ये कौन सा ट्रिपिंग फेल्योर वो जो चेकिंग साइन है इसका आप लोग शॉर्टकट ट्रिक चाहिए डिटेल्स में एक एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बनाना होगा तो बोलना वीडियो बना देंगे ठीक है नेक्स्ट देखिए डिफेक्टिव क्यू पी एच रिले कॉजेज डैश ट्रिपिंग फेल्योर ये होगा ऑपरेशन बी ठीक है ये पार्ट वन पार्ट टू आगे वीडियो में बोला था नहीं है तो होगा ऑपरेशन बी नेक्स्ट देखिए एल एस सी एच बी ग्लोइंग ऑन रन बट डी जे इज़ नॉट ट्रिप्ड इंडिकेट्स डैश और डैश इक्विपमेंट इज डिफेक्टिव तो बोल रहा है हमारा एल एस सी एच पी एन रन में ग्लो कर गया मतलब हमारा सी एच बी ए काम नहीं कर रहा है बट हमारा डी जे ट्रिप नहीं किया तो कौन सा कौन सा इक्विपमेंट खराब हो सकता है तो हमारा जो इसका इंटरलॉक रहता है तो सी एच बी है बैटरी चार्जर खराब हो सकता है इसके लिए इसीलिए उसका जो सिग्नलिंग लैम है वो जल गया

नेक्स्ट डिफेक्टिव एम बी एस आई वन मोटर कॉजेज डैश ट्रिपिंग फेल्योर एम बी एस आई इसीलिए ऑपरेशन वन ठीक है एम बी एस आई वन एम बी एस आई टू उसमें ऑपरेशन वन होगा दोनों में स्लैग इज ऑपरेशन ऑफ जी आर कॉजेज ट्रिपिंग ऑफ डी जे थ्रू डैश रिले तो स्लैग इज ऑपरेशन ऑफ जी आर मतलब क्या हुआ हमारा जी आर जीरो पॉइंट सिक्स सेकेंड के अंदर एक नॉच से एक नॉच ट्रेवल करता है बट ये जो ट्रैवलिंग जो टाइम है वो ज़्यादा लग जाएगा तो ये स्लैगिस ऑपरेशन होगा ठीक है तो ये बोल नुँँँँँगा। नुँँँँँगा। रहा है स्लैगिस ऑपरेशन ऑफ उप जियर कॉजेज ट्रिपिंग ऑफ डैश डीजे थ्रू कौन सा रिले रिले के कारण वो डीजे ट्रिप होगा स्लैगस ऑपरेशन जब हो रहा है तब क्यू फोर्टी फोर होगा ठीक है क्यू फोर्टी फोर हमारा रिले यूज़ करके डीजे को ट्रिप करते हैं नेक्स्ट देखिए स्टार्कअप ऑफ जी आर इन फुल नॉचेज ड्यूरिंग क्विक रिग्रेशन कॉजे स्ट्रिपिंग ऑफ डीजे थ्रू डैश रिले एनार्जेशन बोल रहे थे हमारा जी आर फुल नॉच में स्टार्कअप हो गया अटक गया कब ना हमारा जब क्विक रिग्रेशन कर रहे थे तब कौन सा रिले एनार्जेस होने से हमारा डीजे ट्रिप होगा तो Q46 Q46 क्या है जी फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले तो फुल नॉच में अटक जाने से हमारा ये क्या होगा ना ये रिले हमारा एनर्जाइज होकर डीजे को ट्रिप करेगा क्योंकि हमारा क्यू वन वन ब्रांच में उसका इंटरलॉक रहता है नॉर्मली क्लोज वो ओपन हो जाएगा नेक्स्ट देखिए एनर्जाइजेशन ऑफ एनी सेफ्टी रिले कॉजेज डीजे टू ट्रिप आफ्टर डैश सेकेंड तो हमारा कोई भी सेफ्टी रिले हमारा एनर्जाइज हो जाएगा तो कितना टाइम के बाद हमारा डिजे ट्रिप होगा वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर हो जाएगा ठीक है जीरो सेकेंड के अंदर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए डिफेक्टिव Q30 थर्टी रिले लीड्स टू डैश ट्रिपिंग फेल्योर तो Q30 थर्टी रिले इसका होगा ऑपरेशन बी ठीक है ये पार्ट वन पार्ट टू क्योंकि हमारा रेलवे में कहीं जोन में पार्ट वन पार्ट टू है बट हमारा ईस्ट कोस्ट में ये पार्ट वन पार्ट टू नहीं है ठीक है तो ये ऑपरेशन बी होगा नेक्स्ट देखिए इन भी सी बी डी प्रोवाइडेड लोकोल्स द डीजे कंट्रोल सर्किट इज नॉट हैविंग डैश ब्रांच तो भी सी बी एस आई जो सैटिक इन्वर्टर वाला जो डीजे प्रोवाइडेड लोको है उसमें डीजे सर्किट में कौन सा ब्रांच नहीं है वो ई एफ डी वाला जो ब्रांच है वो नहीं रहेगा नेक्स्ट देखिए द डिफेक्टिव आर नो लीड्स टू डैश ट्रिपिंग फेल्योर तो इसका आंसर होगा ऑपरेशन ए हमारा आनो और क्यू सी बी आर ये दो खराब होने से क्या होगा ऑपरेशन ए होगा नेक्स्ट देखिए फास्ट वॉँच ट्रिपिंग फेल्योर कॉजेज ड्यू टू डैश और डैश डिफेक्टिव रिलेज तो हमारा कौन सा कौन सा रिले डिफेक्टिव होने से फास्ट वाच में हमारा डीजे ट्रिप करेगा तो यहाँ पे देखिए क्या होता है हमारा जी आर जीरो में वो इंटरलॉक को बाईपास करता है क्यू बी एस आई वन एंड क्यू वी एस आई टू का हेल्प से तो ए रिले खराब होगा तो हमारा फास्ट नॉंच में डिजिट ट्रिप करेगा तो इसका आंसर होगा क्यू बी एस आई वन एंड क्यू बी एस आई टू ठीक है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोल रहा है सिक्स नॉंच स्ट्रिपिंग इज ड्यू टू नॉन क्लोजिंग ऑफ डैश कॉन्टैक्टर ऑफ दर्थ इंटरलॉक्स तो बोल रहा है सिक्स नॉच में हमारा डिजेट ट्रिप कर कौन, कौन सा कौन सा कॉन्ट्रैक्टर का इंटरलॉक और कॉन्ट्रैक्टर हमारा नॉन क्लोजिंग क्लोजिंग नहीं होने से तो ये होगा हमारा सी वन जीरो फाइव सी वन जीरो सिक्स एंड सी वन ज़ीरो सेवन ठीक है फाइव सिक्स सेवन तीनों कॉन्ट्रैक्टर क्लोज नहीं हुआ बट क्लोज हुआ उसका इंटरलॉक सही से क्लोज नहीं हुआ किसी का तो ठीक है इसी ऐसे क्या होगा हमारा सिक्स नॉच में डीजे ट्रिप करेगा नेक्स्ट देखिए इन बी सी बी लोकल्स इफ डीजे नॉर्मली ओपन इंटरलॉक पैराल टू सी वन ऑन एट नॉर्मली ओपन इंटरलॉक ऑन एम टी डी जे ब्रांच इज़ डिफेक्टिव डैश ट्रिपिंग फेलियर विकर्स तो बोल रहे हैं हमारा बी सी भी लोगों में जो डी जे सर्किट का डी जे का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक सी वन एट का तो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक के बगल में है एम टी डी जे ब्रांच में वो डिफेक्टिव है तो कौन सा डिफेक्टिव है डीजे का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक पैरेलल टू सी वन ऑन एट नॉर्मली ओपन इंटरलॉक ऑन एम टी ब्रांच इज डिफेक्टिव तो ए होगा क्या ऑपरेशन तो ए होगा नेक्स्ट देखिए इन बी सी बी सी वन ऑन एट नॉर्मली ओपन इंटरलॉक ऑन एम टी ब्रांच इज डिफेक्टिव तो कौनसन ए आई सी होगा ये दोनों में अंतर क्या है देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं हमारा डीजे का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक खराब है तो क्या होगा हमारा पहले तो डीजे क्लोज होगा सी वन ऑन आइट नॉर्मली ओपन इंटरलॉक से ठीक है ये क्लोज होने से क्या होगा पहले हमारा डीजे क्लोज हुआ बट ये पाथ मेंटेन करेगा कहाँ से डीजे का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक उसका पैरल जो पाथ रहेगा उससे बट उसमें क्या होगा क्लोज होने के बाद ये पाथ नहीं मिलेगा उसका तो ऑपरेशन ए हो जाएगा बट ए जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला सी वन ऑन नॉर्मली जो ओपन इंटरलॉक है वो ख़राब है तो क्या होगा पहले ही तो हमारा सप्लाई नहीं जा रहा है डीजे के लिए तो आईसीडीजे हो जाएगा नेक्स्ट देखिए द डिफेक्टिव क्यू थर्टी रिले कॉजेज डैश ट्रिपिंग फेलियर ए पहले ही था एक क्वेश्चन ऑपरेशन बी रिले क्यू फोर्टी फाइव इज कॉल्ड एज डैश रिले ये जाएगा हमारा डीजे रिसेटिंग रिले ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आफ्टर पासिंग न्यूट्रल सेक्शन इफ आई सी डीजे इज एक्सपीरियंस्ड चेक डैश एंड डैश फ्यूजेस तो हमारा आई सी डी जी ए सेक्शन के बाद हम लोग एक्सपीरियंस किए थे तो कौन सा कौन सा फ्यूज को चेक करेंगे एडिशनल सी सी बी एंड सी सी बी एडिशनल सी सी बी ए नीचे में रहेगा एंड ऊपर में सी सी बी ए दोनों को चेक करेंगे नेक्स्ट देखिए ड्यूरिंग मैनुअल ऑपरेशन ऑफ क्यू फोर्टी फोर रिले इट शुड नॉट बी प्रेस्ड मोर देन डैश सेकेंड तो हम लोग मैनुअल जब ऑपरेशन करते हैं क्यू फोर्टी फोर को तब कितना देर तक हम लोग यह नहीं कर सकते इसको प्रेस नहीं कर सकते वन सेकेंड के अधिक नहीं कर सकते वन सेकेंड के अंदर वो दबा के छोड़ देना होगा नेक्स्ट देखिए एम टी डी जे वी सी बी टाइप कॉयल इज कॉल्ड डैश कॉयल तो हमारा एम टी डी जे वाला कॉयल को हम लोग बोलते हैं डीजे क्लोजिंग होल्डिंग एंड ट्रिपिंग कॉयल और ई एफ डी जे वाला कॉयल को हम लोग बोलते हैं ओनली डीजे क्लोजिंग कॉयल ठीक है उसके बाद क्लोज होने के बाद उसका काम नहीं रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑन स्विचिंग ऑन एच बी ए डैश डिले इज डीजे कंट्रोल सर्किट विल चार्ज प्रोवाइडेड एडिशनल सी सी बी ए सी सी बी ए एंड सी सी पी टी आर इन गुड कंडीशन तो बोल रहे हैं हमारा एच बी ए को ऑन किया तो कौन सा डीले डीजे कंट्रोल सर्किट में विल एनर्जाइज होगा जब हमारा एडिशनल सी सी बी एंड सी सी बी ए एंड सी सी बी टी हमारा सही सलामत होगा तो पहले क्या होगा क्यू वन ऑन एट हमारा एनर्जाइज होगा नेक्स्ट देखिए डिफेक्टिव एम पी एच मोटर लीड्स टू डैश ट्रिपिंग फेल्योर तो हमारा एम पी एच मोटोर खराब होने से ट्रिपिंग फेल्योर ऑपरेशन बी होगा नेक्स्ट डिफेक्टिव क्यू सीबीआर लीड टू ऑपरेशन ए होगा ये ट्रिपिंग फेल्योर आर नो और क्यू सीबीआर में खराब होगा सो ऑपरेशन ए होगा नेक्स्ट देखिए हमारा रिले क्यू वन ऑन एट इज हैविंग डैश सेकेंड ऑफ टाइम लैग तो ये फाइव सेकेंड टाइम लैग रिले है क्यू वन ऑन एट हमारा ऑक्जुलरी प्रोटेक्शन रिले नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए डिफेक्टिव क्यू पी जे लीज टू डैश ट्रिपिंग फेल्योर तो हमारा क्यू जे जो है वो ख़राब है तो क्यू पी खराब होने से उसका इंटरलॉक नहीं लगेगा तो हमारा क्या होगा आईसीडीजे होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिले क्यू फोर्टी फोर इज़ हैविंग डैश सेकेंड ऑफ टाइम लैग तो Q44 जो रिले है उसका टाइम लैग कितना है 0.6 पॉइंट सेकेंड ठीक है नेक्स्ट देखिए रिले Q44 फोर्टी फोर इज़ कॉल्ड एज डैश रिले ये है हमारा जी आर हाफ़ नॉच प्रोटेक्शन रिले एंड फोर्टी सिक्स को बोलेगा जी आर फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले ठीक है और ये ऑगजुलरी प्रोटेक्शन रिले किसको बोलते? को बोलते हैं क्यू वन वन एट को नेक्स्ट देखिए इन स्टैटिक कन्वर्टर लोको टू वर्क एम सी पीज डैश एंड डैश रिले शुड बी एनर्जाइज तो स्टैटिक इन्वर्टर लोको में हमारा जो कंप्रेसर रहता है वो कंप्रेसर को चलाने के लिए कौन सा कौन सा रिले को एनर्जाइज होना चाहिए क्यू एंड क्यू टी डी वन जीरो वन ठीक है ये दोनों रिले रहता है तो क्यूकॉन एंड क्यू टी डी वन जीरो वन इसका आंसर हो गया नेक्स्ट देखिए टाइम डिले

तो हमारा आर्थफॉल्ट होने से एस आई बी लोको में क्या होता है हमारा एज एस आई बी एक स्विच रहता है तो उसको हम लोग जीरो में रख के वो एक्सटर्नल को बाईपास करके हम लोग फर्दर गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं ठीक है थीके? तो एज एस आई बी नेक्स्ट इन एस आई बी लोकोज आफ्टर किफिंग एज एस आई बी ऑन जीरो एंड फ्रेशिंग ई एल डी स्विच टाइम अलाउ टू वर्क द ट्रेन इन दस मिनट तो हमारा जो बोला अर्थफॉल्ट को बाईपास करने के लिए एस आई बी को एच एस आई बी को जीरो में रख देंगे तब क्या होगा एक ई एल डी बाईपास स्विच रहता है उसको प्रेस करना होता है तो प्रेस करने से हम लोग को गाड़ी को फोर्टी फाइव मिनट चला सकते हैं, ठीक है तो इसका आंसर होगा वॉक द ट्रेन इज़ फोर्टी फाइव मिनट नेक्स्ट देखिए इन एस आई बी लोकल्स सी वन जीरो कॉन्टेक्टर इज़ प्रोवाइडेड फॉर डैश मोटर तो C108 वन जीरो ये क्या है हमारा ए सी एम बी आर एफ आर एफ जो रेजिस्टेंस रहता है वो इसको ठंडा करने के लिए एक ब्लोअर एम बी आर एफ और इसको सप्लाई देता है ए सी तो ये ए सी एम बी आर एफ इसका कॉन्टैक्टर एक लगाया गया जिसको नाम दिया गया C108 वन ज़ीरो एट तो ये एस आई बी लोगों में रहता है ठीक है तो आज का ये फिफ्टी क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका बाद वाला क्वेश्चन करेंगे तो इस वीडियो में आप लोग का अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो में